वेलकम बैक। देखो, आज हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप का बात करेंगे, डीएन। ठीक है, तो D3, D4, D5, D6, इसमें कितना नॉर्मल सब ग्रुप होगा, कितने ऑर्डर का होगा, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। टोटल कितने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, देखो, इसके पहले हम लोग जो है ना पूरा डाइहेड्रल ग्रुप पढ़ चुके हैं और वन बाई वन हम लोग सारा ही लेक्चर कवर किए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखना चाहिए कि डाइहेड्रल ग्रुप कैसा होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका ODT यानी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल कैसा है, यानी कितने ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है, कितना सब ग्रुप होता है, ये सारा चीज हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, वो सब आप देख लेंगे ना तो आपका फिर ये नॉर्मल सब ग्रुप काफी ईजी हो जाएगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पीछे का लेक्चर भी जरूर देख लीजिए। अगर आपको पहले से वो सब चीज आता है तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा और काफी अच्छा लगेगा। और लास्टली जब कंक्लूड करेंगे तो बहुत छोटा सा इसका नोट बनने वाला है और आपको याद रहेगा। चाहे किसी भी आपको डीएन के बारे में पूछेगा ना, चाहे D8 हो D10 हो, तो आप फौरन से बता पाओगे कि उसमें कौन कौन सा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, कितने ऑर्डर का होगा। ठीक है, देखिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हम डीएन का बात करें तो इसमें चले पहले n=3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, n=3 लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये D3 बन जाएगा। D3 का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है जी, तो अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब। ठीक है, अल्फा क्यूब हमारा आइडेंटिटी होता है। फिर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, अल्फा बीटा, ओके, अल्फा बीटा स्क्वायर, और फिर आपका हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा को सिर्फ बीटा लिखिएगा। ठीक है, ये होता है। तो ये सारे इसमें एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पे ये सारा जो एलिमेंट है ये आपका कहलाता है क्या, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कहलाता है क्या, रोटेशन, या पहले से जानते हो। ठीक है, अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है यहाँ पे 3×2 यानी 6 इसका ऑर्डर होता है, इसमें 6 एलिमेंट होते हैं। अब चलो बात कर लेते हैं इसमें कि किस किस ऑर्डर का एलिमेंट और ग्रुप होता है, तो हमको बात करने में ईजी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ऑर्डर पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे इसका कि कितने ऑर्डर का कौन सा एलिमेंट होगा, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ सब ग्रुप, और फिर फाइनली ये देखेंगे कि इसमें कितना नॉर्मल सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप्स। ठीक है, चलिए, तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर आपका 6 है, तो इसमें जो पॉसिबल ऑर्डर है वो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ठीक है, यही होगा। अब देखिए, 1 ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट होता है, ट्रिविअल आइडेंटिटी। 2 ऑर्डर का इसमें कितना एलिमेंट है, तो आपको दिखेगा कि रिफ्लेक्शन के सारे ही ऑर्डर 2 होते हैं। ठीक है, इसका सबका ऑर्डर 2 है क्योंकि ये सारा इटसेल्फ इनवर्स है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका ऑर्डर 1 है, सॉरी इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, ओके, और ये दोनों आपस में एक दूसरे का इनवर्स है, तो इसका भी ऑर्डर 3 हो गया, इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। ठीक है, तो 2 ऑर्डर का टोटल मेरे पास में 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। 3 ऑर्डर का मेरे पास में 2 एलिमेंट है। ठीक है, 6 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए कि ये नॉन साइक्लिक है। और टोटल आप देखोगे तो 6 एलिमेंट आपका हो जा रहा है, जो कि D6 में, D3 में 6 एलिमेंट होता है। चलो सब ग्रुप देख लेते हैं। तो 1 ऑर्डर का जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, चूंकि 1 ही एलिमेंट है तो यहाँ ट्रिवियल सब ग्रुप बनता है। ठीक है, एक ही बनेगा। अच्छा, आगे देखिए, यहाँ पे 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट है और 2 मेरा प्राइम है, ओके, तो ये आपको साइक्लिक सब ग्रुप देगा। और कितना देगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 5:2, तो ये हमको मिल जाएगा, 5:1 होता है तो 3, और ये सारा ही आपका क्या होगा, आइसोमोर्फिक टू Z2 होगा, क्योंकि ये 2 ऑर्डर का है। ठीक है, 3 भी आप देखोगे प्राइम है, तो यहाँ पे भी आपको जो भी सब ग्रुप मिलेगा सारा साइक्लिक सब ग्रुप होगा, तो चूंकि 2 एलिमेंट है तो 2/5:3। ठीक है, 5:3 भी 2 होता है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ये आइसोमोर्फिक टू Z3 होगा। ठीक है, चूंकि ये 3 है, 6 ऑर्डर में इटसेल्फ हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे D3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारे सब ग्रुप हो गए, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो टोटल जो सब ग्रुप बन रहा है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो सब ग्रुप है हमारा वो क्या है, वो है हमारा 6। ठीक है, 1, 3, 4, 2, 6। अब देखते हैं कौन कौन सा नॉर्मल होगा, तो जो ट्रिवियल होता है वो तो नॉर्मल होता ही है, तो ये एक आपको नॉर्मल मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो इटसेल्फ होता है वो भी हमारा नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे 1 नॉर्मल मिल गया। ठीक है ना, अब देखते हैं कि ये जो मेरा Z2 टाइप का है, जो Z2 टाइप का जो 3 सब ग्रुप है, क्या ये नॉर्मल होगा, तो Z2 टाइप को आप अच्छे से जानते हैं कि Z2 टाइप में क्या होगा, 2 ही एलिमेंट होगा। ठीक है, और 1 का ऑर्डर 1 होगा, 1 का ऑर्डर इटसेल्फ इनवर्स होगा, यानी 2 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 3 बताऊं तो कौन कौन बनेगा, तो चूंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है 2 ऑर्डर का, ठीक है, 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। ठीक है, 1, 2, 3, यहाँ पे अगर बनाना चाहे तो एक तो ये बना सकते हैं आइडेंटिटी अल्फा बीटा, ठीक है, मतलब इस एलिमेंट के साथ, फिर एक ये बना सकते हैं आइडेंटिटी अल्फा बीटा स्क्वायर, और एक हम ये बना सकते हैं सिंपली आइडेंटिटी और बीटा। ठीक है, ये मतलब ये तीनों एलिमेंट अलग अलग लेकर के आप 3 सब ग्रुप बना सकते हो विद द आइडेंटिटी। ये तीनों जो है आपका Z2 टाइप का है। अब आप इसमें देखोगे ना सिंपली कि अगर मैं अल्फा बीटा का क्लास लिखूं, ध्यान दीजिएगा ना, अल्फा बीटा का अगर मैं यहाँ पे क्लास लिखूं, क्लास ऑफ अल्फा बीटा,
इसमें तो सारा ही एलिमेंट आ जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर और बीटा। समझिएगा क्यों आएगा सारा ही एलिमेंट, क्योंकि अब आप यहां पे देखो, यहां पे क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग क्लासिफिकेशन से देखने वाले हैं। तो आप याद कीजिए कि आपका जो डीएन का क्लास इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, काफी मजा आएगा, ठीक है। तो जो डीएन का क्लास इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, यही पढ़ा है कि डीएन का क्लास इक्वेशन यानी एन प्लस एन, ठीक है। तो अगर ये एन ऑड होगा, अगर ये एन ऑड होगा तो ये नहीं टूटेगा, ये स्प्लिट नहीं करेगा, ठीक है, नॉट स्प्लिट, डोंट स्प्लिट, ये स्प्लिट नहीं करेगा, ये टूटेगा नहीं, ठीक है। और ये जो एन है, ये तो ये एन जो है आपका रिफ्लेक्शन वाला है, ठीक है, चूंकि डी एन का ऑर्डर टू एन होता है, एन प्लस एन, तो ये रिफ्लेक्शन वाला है, और ये आपका है रोटेशन वाला। तो रोटेशन वाला चूंकि ये ऑड है, तो ये तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है ना, हम लोग ये देख चुके थे क्लास इक्वेशन में कि रोटेशन में हमको एक तो आपको सेंटर मिलेगा अगर एन ऑड है तो, ठीक है, और बाकी आपको जितना भी मिलेगा उसमें एक एलिमेंट मिलता है, एक उसका इन्वर्स मिलता है। किसी भी एलिमेंट का, रोटेशन के किसी भी एलिमेंट का आप निकालोगे क्लास सेंटर को छोड़ करके, तो सेंटर का तो वन ही मिलेगा, ट्रिवियल, ठीक है, सेंटर में जो एलिमेंट होता है बस वही मिलता है क्लास में। लेकिन सेंटर के अलावा जितना भी एलिमेंट आप लेंगे तो उसमें एक एलिमेंट होगा, एक इन्वर्स होगा, यानी आपको सबका जो क्लास लेंथ है वो टू ही मिलता है। तो याद रखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ और आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो डीएन का जो क्लास इक्वेशन था ये काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्लास इक्वेशन क्या था कि अगर एन मेरा इवेन होता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो इसका क्लास इक्वेशन होगा, क्लास इक्वेशन वो क्या होगा, तो वो होगा आपका जैसे एन प्लस एन लिखिएगा, इसको आप तोड़िएगा ऐसे, ठीक है, इसमें सेंटर दो हो जाएगा तो वन प्लस वन, और बाकी सारा टू टू में आएगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो बार बार मैंने इसे समझा चाहता। और ये एन आपका टूट जाता है एन प्लस टू और एन प्लस टू में, ठीक है जी। ये कब होता है, ये होता है जब एन इवेन होता है, यानी क्या, यानी जो रिफ्लेक्शन वाला एलिमेंट है, ठीक है, उसमें आपको दो अलग अलग क्लास मिलेगा, जितना भी एलिमेंट है उसमें दो अलग अलग क्लास मिलेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। यानी अगर छह एलिमेंट है तो एक क्लास में तीन एलिमेंट होगा, एक क्लास में तीन एलिमेंट होगा, बात समझ में आ रही है ना। जबकि रोटेशन में आपको दो ठो वन वन मिलेगा, बाकी टू 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 मिलेगा। इसी तरीके से अगर मान लो इन आपका ऑड है, अगर इन मेरा क्या है ऑड है, तो ऐसे केस में जो क्लास इक्वेशन आता है वो क्या आता है, तो वो आपका आता है इक्वल टू एन प्लस एन। अब ये चूंकि ऑड है तो ये टूटेगा नहीं, तो ये आपका एन ही रह जाएगा, और ये इसमें एक सेंटर आएगा, बाकी सब में दो 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 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको समझ के रखना है। तो यहां पे देखो, अगर एन ऑड होता है ना, तो जो रिफ्लेक्शन वाला एन है वो टूटता नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन के सारे ही एलिमेंट का क्लास एक ही होता है। सब जैसे मान लो एन एलिमेंट है, तो एन एलिमेंट के क्लास में एन एलिमेंट आएगा, यानी हर एलिमेंट का आप क्लास निकालिएगा तो उसमें सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे, यही मतलब है। जबकि अगर इवन वाला होगा तो आप किसी भी रिफ्लेक्शन एलिमेंट का क्लास निकालिएगा तो उसमें आधे एलिमेंट आएंगे, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो अब देखो, अब यहां से ये चीज क्लियर हो जाएगी, और लास्टली जो हम लोग कंक्लूड करेंगे ना, तो वो भी हम लोग करेंगे क्लास इक्वेशन से, तो काफी मजा आएगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे चूंकि हम लोग एन इक्वल टू थ्री लिए हैं जो कि ऑड है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये जो हम रिफ्लेक्शन का कोई भी एलिमेंट का हम क्लास निकालेंगे तो वो चूंकि ऑड है तो सारा ही एलिमेंट एक क्लास में आ जाएगा, यानी तीनों एलिमेंट एक ही क्लास में आएगा। इसलिए मैं लिख रहा हूं कि अल्फा बीटा का क्लास आप निकालिएगा तो तीनों एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से आप अगर अल्फा बीटा स्क्वायर का निकालिएगा क्लास, तब भी तीनों एलिमेंट आएगा, बीटा का क्लास निकालिएगा तभी तीनों एलिमेंट आएगा। अब ये जो एलिमेंट का क्लास है, ये डेफिनेटली ना एच वन में कॉन्टेन करता है, ना एच टू में कॉन्टेन करता है, ना ही एच थ्री में कॉन्टेन करता है। सो फाइनली ये कि आपको इस तरह का कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलने वाला। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम पीछे से जो बात करते आ रहे हैं ना उसी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। बस डीएन के केस में क्लास इक्वेशन से समझना इजी होता है, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखो आगे, अगर हम तीन ऑर्डर का एलिमेंट का बात करें तो तीन ऑर्डर का दो एलिमेंट होता है, ठीक है, जेड थ्री टाइप का एक ही। अच्छा, यहां पे तो ये यूनिक बन रहा है, तो ये मैंने आपको बताया था, अब बल्कि इसको याद रखिएगा, अगर कोई सब ग्रुप यूनिक बनता है ना किसी भी ऑर्डर का, तो वो क्या होता है, वो नॉर्मल होता है। तो यहां पे हमको एक नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा, किसके टाइप का, जेड थ्री टाइप का, ठीक है जी। तो यहां पे देखो ये चीज क्लियर हो गया कि कितना मिल रहा है हमको, टोटल मिल रहा है थ्री नॉर्मल सब ग्रुप, थ्री नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। इसमें लिख देता हूं, मैंने पहले भी लिखा है, मुझको याद है, ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूं। अच्छा, ऐसे भी आप देखोगे कि जेड थ्री टाइप का कौन सा बनेगा, तो जेड थ्री टाइप में जेड थ्री को अगर हम लिखा चाहें तो जेड थ्री कैसा होता है, एक इसमें एक ऑर्डर का होता है और दो आपका तीन ऑर्डर का होता है, ये हम ऑर्डर लिखे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, एक एक ऑर्डर का, दो तीन ऑर्डर का, यानी ये जो है यही आपका जेड थ्री बनेगा पूरा। इसको अगर आप देखिएगा तो इसमें आइडेंटिटी का जो क्लास होगा उसमें ट्रिवियल आइडेंटिटी होगा,
ठीक है। और चाहे आप इसका क्लास निकालना या इसका, चूंकि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, तो इसके क्लास में ये आएगा या इसके क्लास में ये, मतलब इसका क्लास निकालेंगे तो अल्फा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, इसका क्लास निकालेंगे अल्फा स्क्वायर का तो उसमें भी अल्फा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, तो वो इसी में कॉन्टेन करेगा। तो इस तरीके से ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है, ठीक है जी। और चूंकि ये यूनिक बन रहा है तो ये भी ऐसे भी नॉर्मल है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ फाइनली क्या, यहाँ पे एक रिमार्क लिख देता हूँ, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने पहले भी लिखा था कि इफ देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एम इन ग्रुप जी, देन दिस इज नॉर्मल इन जी। ये क्या होगा, ये आपका नॉर्मल होगा जी में बिंदास। अगर यूनिक मिलता है, एक ही पीस मिल रहा है तो बहुत दिमाग मत लगाइए, आप बोल दीजिए कि वो नॉर्मल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको D3 का दिखाया, तो मैं अभी कंक्लूड करूंगा, बहुत मजा आएगा। तो D3 में कौन कौन सा नॉर्मल सब ग्रुप हुआ, तो D3 में नॉर्मल सब ग्रुप हुआ एक आपका ट्रिवियल आइडेंटिटी, ठीक है, एक मेरा Z3 और एक मेरा D3, ठीक है जी। ये तो अब ये देखिएगा यहाँ पे कि ये तो हमारा हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक Z3 मिल रहा है, एक Z1, चूंकि Z1 ही ट्रिवियल आइडेंटिटी होता है, एक D3 मिल रहा है, ठीक है। अब इसको आप देख करके रखिएगा, ये D3 का काम हो गया कि D3 में मेरा तीन नॉर्मल सब ग्रुप है, Z3, Z1 और D3, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको आगे D4 के लिए बात करूं, तो देखो D4 D5 मैंने बात किया हुआ है, तो मैं आज थोड़ा D6 बात कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो D6 देख लेते हैं। तो अगर मैं D6 की बात करूं, n=6 ले लेता हूं, तो इवन हो गया ये, ठीक है। D6 में कैसे कैसे एलिमेंट होंगे, अल्फा होगा, अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा क्यूब होगा, अल्फा 4, अल्फा 5 और अल्फा 6 = आइडेंटिटी होगा, ठीक है। बाकी होंगे इसमें अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा 4 बीटा, अल्फा 5 बीटा, सब में बस बीटा लगाते जाना है आपको, ठीक है, और अल्फा 6 बीटा, चूंकि ये आइडेंटिटी सिर्फ इसको बीटा लिख देते हैं, ओके। तो इसमें इस तरह का एलिमेंट होगा, ओके, जैसा आप लोग ऊपर लिखे थे वैसा ही यहाँ पे भी आपको लिखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लिखे थे। अच्छा, यहाँ पे लगता है ये अल्फा बीटा स्क्वायर थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया, इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा होगा, बस कुछ करना नहीं होता, अल्फा में बीटा लगा दीजिए, अल्फा स्क्वायर में बीटा लगा दीजिए, ये जो कि आइडेंटिटी है तो सिर्फ बीटा लिख दिए, ओके। तो यहाँ पे भी इसको कर लीजिएगा अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है जी, बाकी तो ठीक ही है, समझाने के लिए बताया था मैंने पहले, तो इसका ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। चलो आगे देख लेते हैं फिर यहाँ पे, चलो ये हो गया। अब देखो तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, तो इसका ऑर्डर है यहाँ पे 12, ठीक है, 2 × 6 हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे सबके ऑर्डर की बात करूं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना भी ये रिफ्लेक्शन वाला है, ये सबका ऑर्डर क्या होता है, ये सबका ऑर्डर होता है 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इसका ऑर्डर 6 होगा, ठीक है, और इसका ये इन्वर्स है, तो इसका भी ऑर्डर 6 हो गया। अल्फा इसका ऑर्डर 3 होगा, तो इसका इन्वर्स ये है, तो इसका भी ऑर्डर 3 होगा, ठीक है। अल्फा 3 आपका इटसेल्फ इन्वर्स है, और अल्फा 6 तो आपका आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर आपका 1 होता है, ठीक है ना। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑर्डर, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ठीक है जी, और यहाँ पे लास्टली आपका नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, की कौन से का नॉर्मल सब ग्रुप कितना होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर आपको पता है क्या, पॉसिबल ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो जैसे 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 3 होगा 12 का, 3 के बाद आपका फिर यहाँ पे 4 होगा, 4 के बाद आपका 6 होगा, ठीक है जी, और 6 के बाद हम लोग का 1 हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे ये सारे पॉसिबल ऑर्डर हो गए। अब देखते हैं कि 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो 1 ही होगा, ठीक है। 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, तो देखिए 2 ऑर्डर का एलिमेंट अगर आपको देखना है D6 में, तो सबसे पहले तो 6 रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 5 2, ठीक है, चूंकि आप देख रहे हो कि इवेन है, ठीक है, 6 पे बात कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि एक आपको 2 ऑर्डर का यहाँ पे भी मिलता है, इटसेल्फ इनवर्स है, तो ये 2 ऑर्डर का है, ठीक है, ये वाला अल्फा क्यूब, तो ये 2 ऑर्डर का है, और इधर आपको सारा ही 2 ऑर्डर का होता है, तो ये 6 आपका जो एलिमेंट है ये 2 ऑर्डर का हो गया, एक ये 2 ऑर्डर का हो गया। तो डीएन के लिए आपको बताया जाता है, डीएन के लिए अगर एन आपका इवेन है, तो आप सिंपली निकाल सकते हो क्या कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा, तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, ठीक है, एन प्लस 5 2, ठीक है, मतलब 5 2 इसलिए लगाते हैं कि ये चूंकि साइक्लिक वाला पार्ट है, रोटेशन का पार्ट क्या होता है, साइक्लिक का पार्ट होता है, तो इसमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट क्या होता है, 5 2 के बराबर होता है, ठीक है, अगर इन इवेन है तो, अगर इवेन नहीं है, ऑड है, तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे हम लोग 6 + 5 2 कर लिए, और ये आपको आ जाएगा 5 2 1 होता है, तो इससे बिना आ जाएगा, ठीक है। 3 में देखोगे तो 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सिर्फ 2 एलिमेंट है 3 ऑर्डर का, ठीक है जी, तो ये 2 हो गया,
इसके बाद आप देखेंगे चार ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, तो चार ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, और सिक्स ऑर्डर का कितने एलिमेंट है, तो ये आपको दो दिख रहा है, तो चार ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, सिक्स ऑर्डर का आपका दो एलिमेंट है, ठीक है। और फाइनली आपका 12 ऑर्डर का कोई भी नहीं होगा, वरना ये साइक्लिक हो जाएगा, तो ये नॉन साइक्लिक होता है। तो सात और एक आठ, दो दस और दो बारह, तो आपका जो 12 एलिमेंट है वो आपको सारा मिल गया, ठीक है। चलो अब देखो सब ग्रुप की बात करें तो वन ऑर्डर का डेफिनेटली ट्रिवियल होता है, ठीक है, जो कि आपको सब ग्रुप होगा एक पीस। अब देखो यहाँ पे अगर हम दो ऑर्डर का बात करें तो दो ऑर्डर का आपको सात एलिमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे हमको साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा, कितना मिलेगा, तो 7/52, ठीक है, 5:1 होता है, तो आपको यहाँ पे 7 isomorphic to Z2 इस तरह का आपको साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा। तो 2 प्राइम है, 3 भी आपका प्राइम है, तो इस पे भी आपको साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा, कितना मिलेगा, तो 2/53, और 53 क्या होता है, 2 होता है, तो 2/2 1, ठीक है, ये आपको Z3 के आइसोमोर्फिक आपको साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा। 4 ऑर्डर का देखो कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमको कोई भी Z4 टाइप का नहीं मिलने वाला, ठीक है, K4 टाइप का मिल सकता है, ठीक है, K4 टाइप का कितना मिलेगा, K4 देखो K4 टाइप का मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि ये हमको D2 टाइप का मिलेगा, ठीक है, K4 टाइप का मिलेगा, या तो बोलिए D2 टाइप का मिलेगा। और अगर आप DN में बात कर रहे हो और DN में आपसे पूछा जाए कि जो है DM टाइप का कितना बनेगा, ठीक है, तो तरीका क्या होता है, आप ये देख लीजिए कि N/M, ठीक है, अगर M जो है डिवाइड करता है N को, तो N/M का N का जो भी वैल्यू होगा ना, वही आपको उतना नंबर, उतना जो है नंबर ऑफ सब ग्रुप आपको मिलता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है, चूंकि हम लोग 6 पे बात कर रहे हैं, N 6 है, तो 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, देयरफॉर क्या होगा, 6/2, यानी आपको 3 पीस ऐसा सब ग्रुप मिलेगा, K4 टाइप का या D2 टाइप का, ठीक है, तो यहाँ पे 3 पीस हो गया, यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं मिला। अब देखो यहाँ पे 6 ऑर्डर का बात करें तो यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट मिल रहा है, तो अगेन चूंकि 2 एलिमेंट मिल रहा है तो हमको यहाँ पे साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है, और वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 5/6, और 5/6 का वैल्यू क्या होता है, तो 5/6 का वैल्यू अगेन 1 होता है, तो हमको यहाँ पे 2 एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, 5/6 का वैल्यू क्या, 2 आ जाएगा ना, 5/6 देखिए क्या आ जाएगा, 5/3 × 2, तो 5/3 आपका क्या होता है, 2 और 1, तो 2 आ रहा है, तो 2/2 आपको 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा 1 सब ग्रुप, जो किस टाइप का होगा, जो आपका Z6 टाइप का होगा, क्योंकि ये 6 ऑर्डर का है, ठीक है। तो यूनिक वाला आपके लिए जो है प्लस पॉइंट है, चूंकि अभी हम बता चुके कि जो यूनिक बन रहा है ना, वो आपको डायरेक्टली नॉर्मल भी दे देगा, नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है, एक नॉर्मल यहां से बन जाएगा, ये भी आपको देखो यूनिक है, यूनिक में परेशान होने का जरूरत नहीं है, ये भी आपको नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहां पे एक तो जो मेरा 6 ऑर्डर का है वो Z6 टाइप का हो गया, एक और पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, वो है मेरा D3 टाइप का, ठीक है, आइसोमोर्फिक टू D3, तो D3 टाइप का कितना बनेगा, तो अगेन हम लोग देख रहे हैं कि जैसा मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि 3/6 को डिवाइड करता है, क्योंकि D6 पे बात कर रहे हैं, तो 3/6 को डिवाइड करता है, सो 6/3, यानी आपको यहाँ पे 2 पीस मिलेगा D3 टाइप का, ठीक है। चलो, और यहाँ पे जो 12 ऑर्डर का है, तो ये इटसेल्फ क्या है आपका, यहाँ पे D6 है। अब देख लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप, तो नॉर्मल सब ग्रुप में 2 तो देख ही चुके हैं, एक Z3 जो कि यूनिक है वो बनेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट से, और Z6 जो कि जो भी यूनिक सब ग्रुप है वो तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे जो ट्रिवियल आइडेंटिटी वाला है ये भी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कि जो Z2 टाइप का बन रहा है 2 ऑर्डर का, क्या वो नॉर्मल सब ग्रुप देगा, तो Z2 टाइप का मतलब क्या है, एक आइडेंटिटी, एक 2 ऑर्डर का, तो अगेन आप यहां से देखोगे कि यहां पे हम अगर हम देखें तो यहां पे हम कितना बना सकते हैं, तो 7 बनेगा, चूंकि यहाँ पे 6 एलिमेंट यहां पे है और 1 एलिमेंट 2 ऑर्डर का यहां पे है, टोटल 7 बनेगा। अब अगर आप देखो, चाहे मैं किसी की बात करूं, जैसे मैं H1 बात कर लेता हूं, ई अल्फा बीटा, ठीक है, H2 में ले लेता हूं, मान लो ई अल्फा स्क्वायर बीटा, इस तरीके से यहां से मैं ले लेता हूं H6, ठीक है, H1 से लेकर के H6 यहां से ले लेता हूं, और H7 में ले लेता हूं, यहां से H7 क्या ले लेता हूं, आइडेंटिटी और अल्फा क्यूब, ठीक है, आइडेंटिटी और अल्फा क्यूब, ये अल्फा क्यूब को ले लिया। अब देखिए यहां पे ध्यान ये देना है हम लोगों को कि 2 ऑर्डर का क्या यहां पे कोई सब ग्रुप बनेगा, तो आप देखिए इन सब में तो कोई नहीं बनने वाला, क्यों, क्योंकि अगर आप अल्फा बीटा का क्लास लिखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं यहां पे थोड़ा आराम से, ठीक है, अगर आप अल्फा बीटा का क्लास लिखते हैं, अल्फा बीटा का क्लास, तो अल्फा बीटा के क्लास में कौन सा एलिमेंट आएगा, कम से कम 3 एलिमेंट तो जरूर आएगा, क्यों 3 एलिमेंट आएगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम डीएन का क्लास इक्वेशन का बात करें, क्लास इक्वेशन का, तो मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर एन इभेन है, ठीक है, तो ये कैसा होता है, तो ये क्लास इक्वेशन हो जाएगा N+N, और ये आपका टूट जाएगा N/2 + N/2 में, ध्यान दीजिए, ठीक है, रिफ्लेक्शन वाला जो है, तो यहाँ पे N मेरा 6 है, यानी हम इवेन पे ही काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन का जो क्लास एलिमेंट है
रिफ्लेक्शन का जो क्लास है वो दो ही तरह का क्लास मिलेगा, n बाई टू ठीक है, यानी तीन तीन एलिमेंट का, क्योंकि n सिक्स है तो हमको तीन तीन एलिमेंट का क्लास मिलेगा, तो अल्फा बीटा में कम से कम तो तीन एलिमेंट होगा, ठीक है, और ये जो तीन एलिमेंट है ये इसी में से कोई ना कोई एक होगा, इसी में से कोई तीन एलिमेंट होगा, ठीक है जी। तो मतलब एक तो अल्फा बीटा का इन्वर्स हो जाएगा, जैसे अल्फा बीटा है तो अल्फा फाइव बीटा होगा एक, ठीक है, जो ये दोनों आपस में इन्वर्स है, और एक जो है अगर हम सेल्फ इन्वर्स का बात कर लें तो एक क्या होगा, एक अल्फा क्यूब बीटा होगा, ठीक है, ये तीन एलिमेंट। लेकिन यहां पे तो अल्फा बीटा ही सिर्फ है, तो जहां इसमें तीन एलिमेंट आ रहा है इसके क्लास में, तो ये इसमें फिर कॉन्टेंट नहीं करेगा, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि ये जो अल्फा बीटा का क्लास आ रहा है ये क्या है, ये आपका एच1 में कॉन्टेंट नहीं करेगा। इसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी आप कोई रिफ्लेक्शन वाला कोई देखोगे सब ग्रुप ना, तो रिफ्लेक्शन से जो सब ग्रुप बन रहा है उसमें जब भी किसी का आप क्लास निकालिएगा तो कम से कम तीन एलिमेंट उसमें आना है, ठीक है, तो जो इसमें कॉन्टेंट नहीं करेगा, तो इसलिए ये सब आपको H6 तक आपको कभी भी सब ग्रुप नहीं बनेगा। हाँ, रहा सवाल H7 का, तो ये आपका सब ग्रुप हो जाएगा, क्यों, इसलिए कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइडेंटिटी का क्लास निकालोगे तो सिर्फ आइडेंटिटी ही आएगा, और अल्फा क्यूब का निकालोगे तो चूंकि ये रोटेशन में से आप निकाल रहे हो तो अल्फा क्यूब क्या है, दो ऑर्डर का है, ठीक है, तो अल्फा क्यूब के क्लास में भी आपको सिर्फ अल्फा क्यूब ही आने वाला है, ठीक है जी, क्योंकि ये इटसेल्फ इनवर्स है, और रोटेशन में हमको पता है कि किसी का भी क्लास निकालते हैं तो एलिमेंट आता है और उसका इनवर्स आता है, तो अल्फा क्यूब का इनवर्स तो अल्फा क्यूब ही है, तो इसमें सिंगलटन अल्फा क्यूब आएगा, तो इसमें जो भी क्लास हम निकाल रहे हैं वो सेट में कॉन्टेंट कर रहा है, सो Z2 टाइप का आपको एक नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा ओनली वन, ठीक है, कौन सा, तो ये मैं लिख भी देता हूं, ई अल्फा क्यूब, ये वाला मिलेगा, ठीक है जी। तो चलो अब देख लेते हैं, Z4 टाइप का तो एलिमेंट ही नहीं था तो यहाँ पे तो कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, ये अब देखते हैं D2 टाइप का कोई बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पे तीन D2 टाइप के बन रहे हैं ना, कितने बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं D2 टाइप के। अब देखिए D2 टाइप का जो भी एलिमेंट बनेगा तो वो कैसा बनेगा, इसको आपको दिखाता हूं मैं, जैसे D2 टाइप का बनेगा तो D2 में कैसा कैसा एलिमेंट होता है देख लीजिए आप, ठीक है, या K4 का बात कर लीजिए, दोनों एक ही है, एक होता है हमारा आइडेंटिटी AB और AB, ऐसा होता है, यानी तीन आपका होता है दो ऑर्डर का और एक हमारा होता है आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोग जैसे K4 टाइप का बनाएंगे यहाँ पे, तो एक तो हम आइडेंटिटी लेंगे, ठीक है, दो जो है हमको लेना है, तीन लेना है दो ऑर्डर का, तो एक ले लेते हैं अल्फा क्यूब, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं दो ऑर्डर का, जैसे कोई भी उठाते हैं, मान लीजिए मैं उठा लेता हूं क्या अल्फा बीटा और अल्फा फाइव बीटा, ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका अल्फा बीटा और अल्फा फाइव बीटा। अब देखिए फिर से देख लीजिए आराम से, अब इसमें आपको ये जो तीन ऑर्डर का एलिमेंट है, सॉरी दो ऑर्डर का जो एलिमेंट है, ये हमारा क्या आ रहा है, ये दो पीस आ रहा है, ठीक है, अल्फा क्यूब को छोड़ देता हूं, क्योंकि अल्फा क्यूब का आप क्लास निकालोगे तो अगेन उसमें क्या आएगा, सिर्फ अल्फा क्यूब ही आएगा, तो इसका मैटर नहीं है। लेकिन जहां आप अल्फा बीटा का क्लास निकालोगे तो इसमें मैंने आपको बताया अभी कि इसमें तीन एलिमेंट आएगा, ठीक है, और ये इसमें दो ही एलिमेंट है, तो ये अब कॉन्टेंट करेगा नहीं K4 में, ठीक है, ये K4 टाइप में, तो यानी कि आप इस तरह का जो भी सब ग्रुप बनाओगे, चूंकि इसी तरह का बनेगा, ये दोनों तो फिक्स रहेगा, ये आपका अलग अलग पेयर आ सकता है, ठीक है, तो कोई भी आप पेयर लेके आओ, लेकिन चूंकि दो ही आपका रिफ्लेक्शन का एलिमेंट होगा, जबकि रिफ्लेक्शन के किसी भी एलिमेंट का क्लास निकालिएगा तो चूंकि n इवेन है, कम से कम तीन एलिमेंट आएगा जो उसमें कॉन्टेंट नहीं करेगा, तो मैं बिंदास तरीके से बोल सकता हूं कि यहां पर जो D2 वाला टाइप है इसमें कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप आपको नहीं बनेगा, ठीक है, जो तीन पीस बन रहा था ना सब ग्रुप D2 टाइप का, उसमें कोई भी नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है जी। अब आ जाओ, ये तो आपका यूनिक था, जो यूनिक है उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये भी आपका यूनिक था तो बन गया। अच्छा, D3 टाइप का क्या कोई बनेगा, D3 का ना इसमें ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि D3 वाले केस में क्या है, आप यहाँ पे इंडेक्स देख लो, ठीक है, इंडेक्स की अगर मैं बात करूं D3 के इंडेक्स की, तो D6, ठीक है, D3, क्योंकि आप D6 में काम कर रहे हो और D3 का देखना चाहते हो, तो क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ D6 बाई ऑर्डर ऑफ D3 होता है, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 12 है, इसका ऑर्डर क्या होता है D3 का 6 होता है, ये 2, तो इंडेक्स देखो 2 आ रहा है, तो अगर इंडेक्स 2 आ रहा है तो ये आपको पता है कि 2 इंडेक्स का जो भी सब ग्रुप होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे जो दोनों सब ग्रुप है ना, दोनों सब ग्रुप D3 टाइप का, इन दोनों का इंडेक्स 2 है, तो यहाँ पे आपको दो नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है, और D6 तो इटसेल्फ आपका होगा ही होगा। यहाँ पे टोटल कितना नॉर्मल सब ग्रुप बन गया, तो हम देखेंगे, तो एक हमारा ट्रिवियल भी था ऊपर में, ठीक है, चलो, तो 1, 2, 3, 4 और 4 to 6 और एक आपका 7, तो यहाँ पे हमको 7 नॉर्मल सब ग्रुप मिल जा रहा है, कितना मिल रहा है जी, 7 नॉर्मल सब ग्रुप, 7 नॉर्मल सब ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आइए इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं तो काफी मजा आएगा। देखो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, DN में D6 के बारे में बात कर रहे थे ना हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिला हमको, यहाँ पे हमको 7 नॉर्मल सब ग्रुप मिला, 7 नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, कौन कौन सा, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमको मिला है
जेड वन बोल सकते हैं, एक ट्रिवियल आइडेंटिटी है, ठीक है, जेड वन बोल सकते हैं इसको। फिर हमको जेड टू का एक मिला है, ठीक है, और हमको जेड थ्री का एक मिला है, ठीक है जी, ये सब एक मिला है। अच्छा, उसके साथ साथ हमको जेड सिक्स का भी एक मिला है ना, ये चलो। और फिर हमको यहाँ पे डी टू टाइप का मिला है, सॉरी डी थ्री टाइप का हमको टू मिला है, ओके, और हमको डी सिक्स टाइप का एक मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हो गए हमारे 1 2 3 4 और 6 7, टोटल आपका 7 हो गया। तो अब बोल सकते हो जैसे ये तो दो ऑर्डर का है, अगर हम ऑर्डर का बात करें, एक तो ट्रिवियली आपका वन ऑर्डर का सब ग्रुप मिला नॉर्मल, ठीक है, ये दो ऑर्डर का हो गया, ये तीन ऑर्डर का हो गया, ये सिक्स ऑर्डर का हो गया, ठीक है, डी थ्री भी सिक्स ऑर्डर का है, और ये हमारा हो गया 12 ऑर्डर का ट्रिवियल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 6 ऑर्डर का यहाँ पे 3 है, 1 और 2 3, ठीक है। तो 6 ऑर्डर का अगर हम नॉर्मल सब ग्रुप का बात करें, 6 ऑर्डर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये आपको कितना है, ये आपको 3 पीस मिल रहा है, 3 ऑर्डर का आपको 1 मिल रहा है, 2 ऑर्डर का 1, 1 ऑर्डर का 1, एक तो ट्रिवियल है जो 12 ऑर्डर का आपको 1 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 7 नॉर्मल सब ग्रुप हो गए। तो अब मैं इसको कंक्लूड करके आपको रिजल्ट बता देता हूँ, जिससे आप कोई भी डीएन का निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत बिंदास तरीके से निकलेगा। तो देखो जैसे मैं अगर बात करूँ ना, अच्छा मैं क्लास इक्वेशन से आपको याद करा देता हूँ, क्योंकि क्लास इक्वेशन से आपको याद करना ईजी होगा। तो देखिए अगर मैं डीएन का बात करूँ, ठीक है, डीएन का, तो डीएन में कितना नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ फंडा, इससे आपका काम काफी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग क्लास इक्वेशन इधर लिख लेते हैं, क्लास इक्वेशन, ठीक है, इधर लिख लेते हैं क्या, नॉर्मल सब ग्रुप, तो आपको काम करना इजी हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। अब देखिए अगर n मेरा इवेन होता है, n क्या होता है, इवेन, तो क्लास इक्वेशन कैसा आता है, तो 1 + 1 + 2 + 2, ठीक है, ये रोटेशन का हो गया, और जो आपका रिफ्लेक्शन का है वो n/2 में टूट जाता है, ठीक है, ये हमारा क्लास इक्वेशन है, ओके। अब इस क्लास इक्वेशन से आप नॉर्मल सब ग्रुप में याद रखिएगा कि आपका कौन मिलेगा, तो आपको नॉर्मल सब ग्रुप डीएन का मिलेगा, ठीक है, एक आप तो लिख लीजिएगा डीएन, ठीक है जी, और डीएन के बाद दो ठो लिख लीजिएगा डीएन बाय टू, क्योंकि एन बाय टू एग्जिस्ट कर रहा है क्लास इक्वेशन में, और दो टू इक्वल पार्ट में टूट रहा है, ठीक है, टू इक्वल पार्ट में टूट रहा है, तो हमको डीएन बाय टू हमको टू पीस मिलेगा इक्वली, ठीक है, एक हमको मिल गया डीएन, और उसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पे जेड एन और इसका सब ग्रुप, जेड एन और इसका सब ग्रुप, ठीक है, बस कुछ नहीं। अब इसे देखो, अभी हम लोग n=6 पे बात किए थे ना, n=6 पे क्या हो जाएगा, जेड सिक्स, इसका सब ग्रुप कौन कौन होगा, तो जेड थ्री होगा, क्योंकि इसके हर डिवाइजर पे आपको सब ग्रुप मिलेगा, साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है, तो जेड थ्री होगा, जेड टू होगा, जेड वन, यही आपका ट्रिवियल है, ठीक है, तो ये हो गया, ये सब आपको 1 1 पीस मिलेगा, तो टोटल आपको हो गया 4, ठीक है। और यहाँ पे डी एन यानी आपको एक डी सिक्स मिलेगा, और dn by 2 यानी आपको d3 आपको दो ठो मिलेगा, ठीक है, तो हम यही चीज तो देखे थे। तो इधर आपका हो गया ये दो हो गया, ये आपका एक, टोटल आपका 7 हो गया। तो अब आप किसी तरीके से n=even वाला मैं आपको कोई टेंशन नहीं, और भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, जैसे n=2 आपको 8 लिया, 8 लिया तो d8 की बात आई, तो इसमें कौन कौन सा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो कुछ नहीं, आप z8 ले लो, ठीक है, और इसका सब ग्रुप ले लो, z8 एंड इट्स सब ग्रुप, ठीक है, ये मिलेगा, और प्लस साथ में क्या क्या मिलेगा, साथ में आपको d8 मिलेगा, इसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ लीजिए, d4 और d4 मिलेगा, ठीक है, तो z8 इसका सब ग्रुप कौन कौन हो जाएगा, तो z4 z2 और एक ट्रिवियल हो जाएगा z1, ठीक है, z1 आपका यानी आइडेंटिटी, ओके, और साथ में आपको मिल गया d8 d4 और d4, अब सब एक एक पीस ही मिल रहा है, ठीक है, d4 आपको दो पीस मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपको देख करके करना है, काफी इजिली अब आप कर पाएंगे, कोई इशू आपको नहीं होने वाला। और अगर एन ऑड हो, ध्यान दीजिएगा, एन अगर क्या हो, ऑड हो, एन अगर ऑड होता है तो उस केस में क्या है, तो उस केस में हम लोग जो क्लास इक्वेशन देखते हैं वो क्या होता है, तो वो क्लास इक्वेशन में आपका 1 + 2 + 2 ऐसे चलता है जी, ठीक है, और आपका एन टूटता नहीं है, एन नहीं टूटता, इसमें स्प्लिट नहीं करता, एक एन आपका ऐसे ही रह जाता है। तो यानी अगर हम नॉर्मल सब ग्रुप की बात करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, सब ग्रुप इन डी एन, कब, जब एन मेरा ऑड हो, तो अगर एन ऑड होता है ना, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में आपको एक तो आपको जेड एन मिलेगा ही मिलेगा, और इसका सब ग्रुप मिलेगा, इट्स सब ग्रुप, ठीक है, प्लस आपको एक और मिलेगा डी एन, अब आपको n/2 में नहीं टूट रहा है, तो n/2 वाला आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको डी एन ही मिलेगा, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई डी थ्री का पूछता है, मान लो डी थ्री का पूछा, ठीक है, तो एन क्या है, एन आपका 3 है यानी ऑड है, तो आप सिंपली बोल देना इसमें नॉर्मल सब ग्रुप क्या होंगे, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे इसके, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, कौन कौन होंगे, तो एक तो जेड थ्री होगा एंड इट्स सब ग्रुप, और इसका सब ग्रुप होगा, ठीक है जी, और प्लस साथ में कौन होगा, सिर्फ डी थ्री होगा,
ठीक है, तो जेड थ्री और इसका नॉर्म, इसका सब ग्रुप कौन होगा, जेड वन होगा, ठीक है, यानी ट्रिवियल आइडेंटिटी और डी थ्री। तो हम ये देखे थे कि डी थ्री के केस में सिर्फ तीन ही बनता है, जेड वन, जेड थ्री, आइडेंटिटी जेड थ्री और डी थ्री, ठीक है। अब वेरीफाई कर लो, हम लोग बहुत दूर तक पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप डी थ्री देखोगे ना तो डी थ्री में सिर्फ यही तीनों बन रहा था, देख पा रहे हो ना। ओके, तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हो भाई, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आपको क्यों बोल देगा कि डी सेवन में कितना सब ग्रुप होता है बताइए, यहाँ पे एन देख लो कितना है, सेवन है, ऑड है, ठीक है। तब बिंदास बोल दो कि जेड सेवन होगा, इसका सब ग्रुप होगा और इसका सब ग्रुप होगा, ठीक है, और प्लस क्या होगा, डी सेवन होगा। तो जेड सेवन का सब ग्रुप कौन होगा, जेड सेवन होगा, एक ट्रिवियल आइडेंटिटी हो जाएगा जेड वन और डी सेवन होगा, ठीक है। तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप अपना दिल खुश करो, डी टेन निकाल के बताना डी टेन में कितना नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप बता देना और कितने ऑर्डर का कौन सा नॉर्मल सब ग्रुप है और कितने ऑर्डर के कितने नॉर्मल सब ग्रुप मिल रहे हैं ये बताना, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ, हाउ मेनी सब ग्रुप्स एंड देयर ऑर्डर्स, ठीक है, एंड देयर ऑर्डर्स, कितना सब ग्रुप होगा और उनका ऑर्डर क्या क्या होगा, आप एक डिटेल में बताना मेरे को, ठीक है, डी एट में बताना, आप मेरे को डी फिफ्टीन में बताना, ठीक है, बिंदास तरीके से आपका बनेगा, चाहे ऑड हो चाहे इवेन हो, दोनों का मैंने बता दिया। तो कुछ नहीं था भाई, इसको अगर आप कंक्लूड करेंगे तो इतना छोटा सा नोट बनेगा, और अब आप डीएन का देख करके थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को अच्छे से रिवाइज करो, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कोई नई चीज मैं आपको नहीं बता रहा, सब सिस्टमेटिक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, नहीं पढ़ाया है तो पीछे जाओ, पूरा प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, अच्छे से देखो, थोड़ा टाइम दो अपने आपको, आप अपने आपको टाइम देंगे, एक बार अच्छे से समझ समझ के पढ़ेंगे ना, ये सब कोई भारी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, एक बार दिमाग में इन कर गया ना तो आप एग्जाम में जो ऑप्शन डिस्कार्ड होता है, जो एलिमिनेशन मेथड होता है, वो काफी फास्ट कर पाओगे, कोई भी आपको सब ग्रुप बना करके देगा आप उसको चेकआउट कर पाओगे, हर तरह से मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट से भी, डेफिनेशन से भी, और जो शॉर्ट रिजल्ट है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, तो इसलिए पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए, देखिए सब अच्छा टॉपिक है, एक बार टाइम देंगे तो लाइफ आपका जिंगल आला हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में काफी कुछ बता दिया, ठीक है, अभी आगे आने वाले क्लासेस में बहुत काफी कुछ और भी आएंगे, तो अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया है। और आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो ना, आपको पीडीएफ भी चाहिए, शॉर्ट नोट भी चाहिए, ठीक है, मेरे से आप डाउट भी पूछना चाहते हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं, तो आप मेरा जो है कोर्स बाय कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख लेना, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा MSC Learn Honestly, ये मेरा ऐप है, ठीक है, वहां जाकर उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और फिर वहां पे बहुत जेन्युइन रेट में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप वहां से बाय कर सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, मिस आप डाउट भी पूछ पाओगे, ठीक है। और अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब में लाखों वीडियो है मेरे, ठीक है, सॉरी लाखों बोल दिया, ठीक है, हजारों वीडियो है, लेकिन वो लाख भी हो जाएंगे अगर मतलब मैं पढ़ाता रहा तो, ठीक है, तो बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है, जब मैं जब भी टाइम मिलता है बनाता हूँ, तो आप उसको देख करके अपने से नोट बना करके काफी अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है, शेयर करो इसको अपने फ्रेंड्स साथ में, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।